लोकसभा चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले नरेंद्र मोदी की देश के प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इन चुनावों में प्रदेश की चारों सीटें भी भाजपा की झोली में ही गई हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे मजबूत मानी जा रही मंडी संसदीय सीट भी भाजपा को ही मिली है, जिससे भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने प्रतिभा सिंह से झटक लिया है। अब यदि कांग्रेस नेताओं की बात करें तो वह इसे भाजपा के दुष्प्रचार की जीत मान रहे हैं, जबकि वह ये कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि यदि भाजपा अपने 25% वादे भी पूरे कर लेती तो आने वाले चुनाव में भी जनता भाजपा को वोट डालने पर मजबूर हो सकती थी। वहीं कुछ कांग्रेसी नेता अपनी हार को पार्टी की ही कुछ कमियों का परिणाम मान रहे हैं। जिस तरीके से जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया, और इतने वादे चुनाव के समय भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए, यहाँ की जनता, मंडी जिला की जनता भी उन वादों को सोचने पर मजबूर हुई और लोगों ने अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की को किया। मगर एक बात मैं जरूर जानना चाहूँगा, अगर उनमें से 25% वायदे भी भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार पूरा करती है तो लोग उनको फिर दोबारा चुनने पर, सोचने पर मजबूर, चुनने के लिए मजबूर होंगे। मगर अगर ये वायदे पूरे नहीं हुए तो पूरे भारतवर्ष की जनता, मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र की जनता, जो आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें उनको धूल चटाएंगे। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो हमारी बहुत मजबूत प्रत्याशी थे, मगर लोगों ने आज भाजपा को वोट नहीं दिए। जो दुष्प्रचार भाजपा ने किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, ना कि भाजपा के नाम पर, क्योंकि भाजपा तो इन चुनावों में हर जगह नदार थी। एक सिर्फ उन्होंने मोदी को जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया कि जब भी कोई भी हम टीवी का चैनल लगाते थे वहाँ पर मोदी, अगर दिन को लगाते थे तब मोदी, शाम को लगाते थे तब मोदी, और कोई क्रिकेट का जो मैच भी होता था तो वहाँ पर भी मोदी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर जहाँ मोदी जी ने लगभग 15-20 हज़ार करोड़ रुपया जो खर्च किया है, हम तो ये भी जानना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ से आया, उस पैसे को किसने दिया, और इसके ऊपर भी लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ इस पर जो है छुपा हुआ है। मगर यहाँ जो मंत्रियों की बात है, मुख्यमंत्रियों की बात है, आप लोग जानते हैं, ये जनता जानती है कि जो एक वर्ष के अंदर वीरभद्र सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने जो काम किए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन कामों को 5 साल तक इतने काम नहीं कर सकी, क्योंकि जहां पर भी गए, जिस चुनाव क्षेत्र पर भी जहां भी गए, यहां के मंत्रीगण ने, विधायकों ने जो भी मुख्यमंत्री जी से, वीरभद्र सिंह जी से मांगा, उनकी उन मांगों को पूरा किया। मगर जनता ने विकास के कामों को नज़रअंदाज किया, व्यक्तिगत कामों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि इतना झूठ जो कभी भी जो इन्होंने जो इसमें जो वायदे किए हुए हैं, इतने झूठे वायदे किए हुए हैं, वो वायदे कभी भी पूरे नहीं होंगे।